वेलकम बैक। एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ इस रुकावट के लिए। तो जहाँ से छूट गया था वहीं से शुरू करती हूँ। उर्मिला लक्ष्मण से विदा करते हुए कह रही हैं, मेरा सतबल यह कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी, वह मूर्ति हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेंगी आंखें, रघुकुल ही के सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय वह दिवस धन्य होगा जब यह रंग होगा महलों में, स्वामी रघुवर के पैरों में दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यूं सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं, माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके यह सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करे न करे, अपने छोटे से सेवक पर इतना उपकार करे न करे। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन, खंबे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ाए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं यह क्या लखन क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है, है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, त्यों ही प्रभु के चरण में गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषण चातुर्य नहीं मुझ में, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुहन है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्चर्य, और हूँ जहाज का काग मैं जिसे न दूजा ठौर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पापक चरणों का हूँ। भाई स्वामिया पिता सखा मेरे तो अवध विहारी है,
भाभी स्वामिनी और माता जो जो कुछ है धनक जनक दुलारी है, सेवा से दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल, किया उपस्थित राम ने फिर भी वह प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव, जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उससे क्यों कर टल सकता हूँ, मंझली माता ने नहीं कहा मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी, वनवास नहीं है वन विहार यह कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने के किसी के क्या है इसमें बात, आई यह कहती हुई वही सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंहनी सदृश वाणी गर्जी, उन दो वीरों के मध्य पहुंच वह वीरा क्षत्राणी गर्जी। आज्ञा ही का प्रश्न बड़ा हो तो तोड़ो इस विधि बंधन को, तुम दे रही सुमित्रा आज्ञा है ले जाओ सुमित्रा नंदन को तुम। माता ने जब यह कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम यह क्या अन्याय, इस नन्हे को रहने ही दो मन मेरा विचलित होता है, इसका तो 14 वर्षों को वन जाना अनुचित होता है, आंखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आंखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने तभी जी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर, मंझली के बंधन में रघुवर है सिया आपके शासन में, तो लक्ष्मण मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में, बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वह साथ इसे ले जाएगा यह साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रे कर दिया तुमने सबको मौन, देखना राम इस लक्ष्मण को तू वन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है, पर ध्यान रहे उस जंगल में यह फूल न कुंभलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए, यह छोटा है तू बड़ा यह सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव उदास, जब यह देखा एक की जगा जा रहे तीन,
हुए और भी नृपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर, आंखों से प्राण न निकल रहे, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोली थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की प्यारी है लक्ष्मण मणि लक्ष समान मुझे, जब यह भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणो तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में यह कह के नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती थी। कारण यह था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ तो चल चुका बाण गंभीर, यहाँ वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन यह भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर वन जाने को, यह सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों के लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, रामलाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझ सान कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय, कह के आई तभी लिए वस्त्र का शाय। वे राज आभरण राज वसन तत्काल उतरने लगे वहां, गोपीन खड़ाऊ मृग छाला, वलकल अब सजने लगे वहां। छुप गया दिवाकर करुणा रस, छाया उस समय घटा बनकर, बिखरे जब दोनों कंधों पर वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिनी की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजरों में।
संध्या का लाल रंग वह था उस सरोजनी सुकुमारी पर, कोशिश की पर पहनी न गई वह साड़ी राज दुलारी पर। यूं पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वह धाम। सहन नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कह के इसे कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है, तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे जो जोगिन उन्हें बनाती है, हम जितना दबते जाते हैं तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है, अधिकार तुम्हें है हे बेटी, जाती भी हो तो हठ पूर्वक तपसिन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडली कुंडलों कंकणों के जाओ, यानी कुंडल और कंगन पहने रहो, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से और इन्हीं भूषणों से जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव, लखनलाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वह सब अस्वीकार। वे यह कहती है स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है, यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना, पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटा, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटा। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ यह नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता बलाचार थी हुई उस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है मलकल से मत जाओ। तुम जाते हो विचारक बन वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार,
तीनों ही वन को हुए उसी समय तैयार। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो यह आशीर्वाद तुरत विप्रों के वंद पुकार उठे। हो चिरजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुंह से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कान में आई यह झंकार। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब हम चलते हैं वन को 14 वर्षों को। मुसीबत एक सी ही है, तरक्की के दो मंजिले की ही है, खुश किस्मत के उस पर चढ़ रहे हम 14 वर्षों के जी की। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं वे, हमें देखे कि वनवासी बने हम 14 वर्षों को हैं। अगर कुछ है तो बस इतना ही है अफसोस इस मन में, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है अति आनंद राधे श्याम, कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों राधे श्याम। इसके साथ ही ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगली बार जिस अध्याय को मैं लेके आपके साथ रहूंगी वो है वन यात्रा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। देखना छोड़िएगा मत, बहुत आनंद आएगा आगे आगे आपको।